आतंकहारण की बात भी सब शुरू होते हैं बाप जब गीता की भगवान निराकार शिवशंकर भोलेनाथ का ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ शुरू होता है कि असुर संहारिणी की बात कब शुरू होता है बात तब शुरू होता है जब काम ब्रह्मा की भी तामसी से और जगदम्बा की भी तामसी कई जाने ना बाप कल्याण तो होगा ही तामस में कई जान कहता हो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश ये तामस के द्वारा विनाश होता है या सात्विक स्टेज के द्वारा विनाश होता है अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना ओए बोलो ऐसे काटा जाता है और विष को विष से मारा जाता है सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं विषैली बन जाती है रावण के चंबे में आ जाती है उनका बाप भी तो इस धरती पर मौजूद होता है वो बोलता है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ असुरों का भी बाप है और देव आत्माओं का भी बाप ऐसे ही माता भी अति सात्विक स्टेज का पाठ बजाती है तो महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है नारायण के साथ महालक्ष्मी या लक्ष्मी महालक्ष्मी माना तो विष्णु संपूर्ण विष्णु नारायण के साथ लक्ष्मी और महानारायण के साथ महालक्ष्मी महानारायण माना दो है महानारायण का मतलब है राम और कृष्ण की दोनों आत्माएं स्वभाव संस्कार से मिल करके एक हो जाती और महालक्ष्मी का मतलब है जगदम्बा के रूप में पाठ बजाने वाली और राधा बच्ची के रूप में पाठ बजाने वाली दोनों ही शक्तियां स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती एक है सामना करने वाली मूर्ति और एक है सहन करने वाली मूर्ति जिसे ब्रह्मा से विष्णु कहा जाता है ये बात पक्की है विष से विष मारा जाता है कड़क लोहे से लोहा काटा जाता है और दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई ऐसा कहा जाता है इसको जरा थोड़ा क्लियर कीजिए दो पाठ कोई दूसरे पाठ नहीं है वेदों में इसका गायन है ग्यारह पृथ्वी पृथ्वी माता है और ग्यारह माने द्युलोक माने आकाश लोक द्यु माने चमकने वाला लोक माने ब्रह्म लोक वो पिता है और ये माता है पिता ऊपर या माता ऊपर पिता ऊपर है माता नीचे का
घूमते हैं तेजी से, तो साफ तो बचे नकुर सब आत्माएं नित्य बुद्धि से खंडित हो जाती है। और ये मारा बच्चे के लिए जरूरी है, वो भी नंबर वार होते हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, लायक अंतर होता है जिन्हें। अगर वो अंतर ना पड़े तो माला के आठ नंबर नहीं बनेंगे, उनमें भी कोई पहला नंबर है। इसे महादेव कहा जाता है, बाकी नंबर वार। ऐसा युग के 21 जन्म में से पहला जन्म संगम युग का पता चलता है हमको, और बाकी बचे 20 जन्म जो है उनका शास्त्रों में कोई गायन वर्णन नहीं है। तो जो 84 जन्म हमको पता चलेंगे उसमें वो 20 जन्म भी पता चलेंगे क्या? क्यों नहीं पता चलेंगे? अभी पता नहीं चल रहे होंगे। अगर नहीं पता चलेंगे तो ये कैसे कहा जा सकता है कि त्रेता युग में राम वाली आत्मा स्त्री चोला धारण करेगी? और जो वर्तमान में अव्वल नंबर सीता है वो त्रेता युग में राम के रूप में पुरुष चोला धारण करेगी? लेकिन थर्ड फोर्थ जो नारायण है वो अपने स्वरूप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? जब पहचानेंगे तो उनको अपने उस जन्म का परिचय प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? पहला जन्म होगा, लेकिन जब उनको अपने पहले जन्म का ज्ञान जान हो सकता है तो जो उनसे ऊंची स्टेज वाले नारायण है उनको ज्ञान नहीं होगा क्या? पहले जन्म का ज्ञान होगा, बाद के 20 जन्मों का ज्ञान वो भी होगा। लेकिन त्रेता युग में बात बदल जाती है, जो सत्युग की बातें हैं रीति रसम रवाज है वो त्रेता में नहीं रहते, पूरा नहीं रहता बस, और उसकी भी शूटिंग यहाँ होती है। सत्युग में सिर्फ महाराजाओं का राज्य होता है और त्रेता में महाराजाएं नहीं होते, राजाओं का राज्य होता है। द्वापर युग में राजा और महाराजा दोनों का राज्य होता है। अब कलयुग में महाराजा कोई नहीं होता, सम्राट राजाओं का राज्य चलता है। वैजयंती माला में, और थोड़ा जोर से बोलिए, वैजयंती माला में, हाँ जी, वैजयंती माला में 108 मंत्र महीना उनमें क्या रुद्रमाला मन के 54 और माला मन के 54 जगत होता नहीं बाबा? नहीं, या रुद्रमाला से 108 और विधि माला से 108 रुद्रमाला के 108 और विजय माला के भी 108 दोनों को मिलकर के फिर उसकी मार की माला बनती है। आत्मा जी एक होते हैं आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले और एक है शरीर का पार्ट बजाने वाले। बुद्धि थोड़ी मंद है इसलिए पंच तत्वों का शरीर के रूप में मात्र वात्सल्य वाली आत्माएं है वो। 108
विजय माला इलेक्ट्रिकल पार्ट बजाने वाले, एक तो है प्लानिंग पार्टी माने बुद्धि चलाने वाली बुद्धिमान विशेषता में, तो तुम्हारा बाप के बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, और दूसरी है प्रैक्टिकल पार्टी, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा होता है। माला की जब सब आत्मा विजय माला में ऐड हो जाएंगी तब कहा जाएगा प्रवृत्ति मार्ग की माला। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश किया, जो कि बिंदु सेवा रूप से एक में ही प्रवेश करते और बाकी जो भी ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं उनमें भी प्रवेश करते हैं, वो है टेम्परेरी रस, वो भी टेम्परेरी रस है। हाँ, एक में प्रवेश करके बुद्धि का मन बुद्धि का मनता का और वाचा का पाठ बजाते हैं, लेकिन कोई में प्रवेश करके सिर्फ कर्मणा का पाठ बजाते हैं, मनता का और वाचा का पाठ नहीं, प्रैक्टिकल पाठ बजाते हैं। वैष्णवी देवी जो प्रैक्टिकल में सारा कार्य संपन्न करती है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्धिमानों की बुद्धि सेवा मन बुद्धि के रूप में कार्य करते हैं, उनकी कर्म इंद्रियों में प्रैक्टिकल इंद्रियों में वो सेवा कल्याणकारी समाया जाता है, जैसे कहते हैं ना मेरी रग रग में समाया हुआ है। तो क्या शुरू तो एक मणकों में भी प्रवेश कर सकने वाला रुद्रमाला के मणकों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं, सेवक सभी में प्रवेश नहीं करते, अगर सेवक सभी में प्रवेश करे तो सब श्रेष्ठ बन जाएंगे, कोई भी धर्मी नहीं बनेगा। कहा जाता है सर्विस के लिए, कहा जाता है कि मैं प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता हूँ, वाचा की पावर देता हूँ, लेकिन कोई जजमेंट नहीं कर सकता कि मेरे अंदर सेवा की सोच का प्रवेश फाइनल नहीं हो सकता। बाबा मुरली ने कहा, इसलिए बाबा कहते हैं जब कोई की सेवा करो तो बाप की याद में रह करके सेवा करेंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा, जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश जब करती है संपूर्ण सूक्ष्म शक्ति से सूक्ष्म शरीर की पावर से तो उनको याद विशेष रहती है शिव की, इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं वो मुरली के अनुसार ही बोलते हैं, एक भी अव्यक्तवाणी का ऐसा वाक्य नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला, नहीं तो दो आत्माएं जब बोलती है तो उनकी बातों में कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ जाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी वाणी बोली गई गुलजार के तन से उस
का एक वाक्य भी मुरली के महावाक्यों को काटने वाला नहीं है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा में शिव का प्रवेश होता था, लेकिन गुलजार दादी ने शिव का प्रवेश न होते हुए भी ब्रह्मा की सोल गहरी याद में रहकर के वाणी चलाती, इसलिए वो वाणी मुरली के समानांतर चलती है। माला के 108 मण के उसके बाहर है तो पक्के सूली बनती है, बाकी सब नंबर वार है। उनमें भी 4 नष्ट देव और 8 अष्ट देव है। उन अष्ट देवों में भी जो 7 है वो आखिरी जन्म में जाकर के दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। एक ही ऐसा रहता है जो अंत तक इस शक्ति में असुरों का मुकाबला करता है, जिसके लिए बोला है हिम्मते बच्चे तो मत दे बाप, माने जो बच्चा कलयुग के अंतिम जन्म तक भी आखिरी शक्तियों से मुकाबला करके रहता है, हिम्मत करता है, आखिरी लहमे में जब थक जाता है तो भगवान बाप को पुकारता है। त्रेसठ जन्म पुकार होती रही भक्तों के द्वारा, क्यों नहीं आया? बाप था, साकार बाप था, साकार बाप था, संभालने वाला, पृथ्वी को संभालने वाला बाप। हाँ, जो भी इस मनुष्य शक्ति का पिता था, मनुष्य शक्ति का पति है, रक्षक है, वो हिम्मत में रहा। आखिरी जन्म में जब उसने देखा कि अब तो गले से ऊपर पानी जा रहा है ये कीचड़ की दुनिया का, तो बाप का सहयोग लिया, बाप को बुलाया और बाप हाजिर हुआ। गांधी जी ने बुलाया, हाजिर हुआ? नहीं हाजिर हुआ। लेकिन मुरली और महेश क्यों कहते आप, तुम पावन है, पावन आओ, तुम तेसर जन्मों से बुला रहे इसलिए मैं आया। पावन आओ वो साकार के लिए गायन है या बिंदी के लिए गायन है? पतितों को पावन साकार बने बिगड़ बनाया तो जा सकता है क्या? Thank you.
बाबा शिवालय में दो नंदी कोट है बाबा, एक टेम्पररी रहता था और ये परमानेंट कर गया और सीता माता का यादगार शिवालय में बाबा शिवालय में दो नंदी को देना, एक परमानेंट रखता है यादगार और एक टेम्पररी रखता है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बहुतों के नाम है या एक का नाम है? ब्रह्मा बहुतों का नाम, बहुतों के नाम है, लेकिन प्रजापिता एक का नाम, एक का नाम है। तो शिवालय में दो नंदी हो गए नंदी दो होते हैं, बैल एक दिखाया जाता है या दो दिखाए जाते हैं? ये तो सकाता से ब्रह्मा कुमार कुमार ने बोल दिया है तो जो भगत है उनके उन्होंने मान लिया है, लेकिन जो भी शिव के मंदिर होते हैं उनमें एक बैल दिखाया जाता है या दो बैल दिखाए जाते हैं? एक ही दिखाए जाते हैं। तो नंदी गण होता है, नंदी गण कहा जाता है इसलिए कि उसमें प्रवेश है, राम की आत्मा भी प्रवेश है और कृष्ण की आत्मा भी उस तन में प्रवेश है, इसलिए नंदी गण कहा जाता है। जो अपनी गवर्नमेंट बनी थी शुरुआत में कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उनका भी निशान दो बैलों की जोड़ी था। बाबा भ्रात्रा मां सतयुग में सब प्राणियों को होंगे जाना होगा, सब प्राणी होगा या ना होगा सतयुग में? भ्रात्रामा में तो चार सीन है, कौन से सीन की बात कर रहे? सतयुग में सारे प्राणी होंगे, नहीं सारे प्राणी क्यों होंगे, दुखदायी प्राणी वहाँ क्यों होंगे? तो वहाँ से वो प्राणी कहाँ से जन्म लेते हैं उनको शरीर कैसे मिलेगा? सतयुग में दो हाथ पांव का चार हाथ पांव का मनुष्य होता है या नहीं होता है? नाक आँख कान वाला मनुष्य होता है या नहीं होता है? होता है। और द्वापर युग में वहाँ भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? संस्कार है, संस्कार, संस्कार वहाँ संस्कार स्वभाव में अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही ये नहीं कि सतयुग त्रेता में प्राणी नहीं होते, होते तो है, लेकिन द्वापर युग से जब से द्वैत फैलता है तो उनमें संक्रमण हो जाता है। जब संक्रमण होता है तो वो आसीन स्वभाव संस्कार से बन जाती है, वो चौपाए जानवर वो भी हिंसक बन जाते हैं। जैसे मनुष्य सतयुग त्रेता में भी होते हैं, मनुष्य द्वापर कलयुग में भी होते हैं, लेकिन द्वापर में मनुष्य हिंसक बन जाता है। मनुष्य हिंसक बनता है तो उसके वाइब्रेशन से प्राणी भी हिंसक बन जाते हैं। आत्मा की स्थिति के आधार पर ही प्रकृति रहती है। हाँ जी, आज जो माता को कोई माता बोल रही है आवाज नहीं आ रही आप अभिषेक।
जो लिंग है वो साकार की यादगार है या निराकार की यादगार? साकार की यादगार। तो साकार जो है वो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि होता है या पार्थ बुद्धि होता है? कोई ना कोई बात में पत्थर बुद्धि होता है। तो ज्ञान की किसको दरकार है, पार्थ बुद्धि को या पत्थर बुद्धि को? पत्थर बुद्धि को। ज्ञान की दरकार है, पत्थर बुद्धि को दरकार है। तो जो घड़े दिखाए गए हैं ज्ञान कलर, कोई बुद्धिरूपी घड़े है जिन्होंने ईश्वर के सुनाए हुए ज्ञान को अपने बुद्धिरूपी पेट में धारण करके रखा है, है? वो थोड़ा थोड़ा करके जल टपकाते रहते हैं इसके ऊपर, लिंग के ऊपर, साकार स्वरूप के ऊपर, और वो लगातार वो टपकते 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 जो लिंग है वो ठंडा हो जाता है। जैसे अमरनाथ में दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन गया, कोई बर्फ का लिंग बनता नहीं है, लेकिन ज्ञान धारण करते करते हो जाता है, इंद्रियां शीतल हो जाती है। याद तो नहीं है, कोई याद तो नहीं है, जिन्होंने ज्ञान जल को धारण किया सब में एक ऐसी धारणा थोड़ी होती, पुरुषों में धारणा अच्छी होती है या माताओं में धारणा अच्छी होती है? माताओं में धारणा अच्छी होती है, वो पवित्रता की धारणा को धारण कर लेती है। ऐसी धारणावान जो शक्तियां है वो खड़ा है, है? कोई भी नंबर बात उनसे ज्ञान करती है, बोलते हैं टपकती है, टपकती रहती है साकार के ऊपर। क्यों साकार? तो ज्ञान तो भक्तों ने बनाया है वो कितने बनाया है, लेकिन संक्रमित ही आप यार है। पुरुषों के मुख से ज्ञान सुन करके पावन बनेंगे या कन्या माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा होता है? कन्या माता, कन्या माताएं जब ज्ञान सुनाए तो असर होता है। हाँ जी, वो प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है। अभी रुद्रमाला के 1-2 जो भी मणके हैं वो पवित्र बने, ज्ञान इतना संपन्न हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गया? ज्ञान इतना संपन्न कब होगा? हाँ, जो प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण करने वाली शक्तियाँ हैं, जो निमित्त है रुद्रमाला के मणकों को भी विजयमाला में समेटने के निमित्त है। विजयमाला माने ही विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली माला। तो आज तो वाणी चली गई, इसमें तो ब्रह्मा की अभी तक ये निश्चय नहीं पैदा हुआ, बैठा नहीं हुआ। तो गीता की भगवान शिवशंकर भोलानाथ वो तो शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने से ही कुछ ना सूक्ष्म सूक्ष्म तरह से बन गए ना, तो बुद्धि तो सूक्ष्म सूक्ष्म बनती है ना, तो बुद्धि तो भी कुछ ना सूक्ष्म बनते हैं ना शरीर छोड़ने के बाद? नहीं, शरीर में तत्व भी सूक्ष्म रूप में समाये रहते, और जो दैवी स्वभाव संस्कार है वो भी समाया हुआ रहता है। कोई भूत प्रेत होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आखिरी स्वभाव संस्कार वाले भी तो होते हैं तो क्या वो सूक्ष्म शरीर में वो आखिरी तो नहीं भरी हुई है? लेकिन ब्रह्मा की बात अलग है ना, वो धारणा मूर्ति है ना। ब्रह्मा की बात अगर अलग हो, संपूर्ण धारणा मूर्ति हो, तो क्या उसने मरते दम तक बाप के साकार स्वरूप को जो प्रैक्टिकल में संसार का कल्याण करने का निमित्त बना हुआ है, जिसके लिए बात साबित होती है कि साकार में निराकार को याद करेंगे
तो सब पापों का अंत हो जाएगा। तो क्या स्वरूप को उन्होंने पहचाना? बेसिकली ज्ञान को लिया, लेकिन एडवांस ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं आया जो पूरा परिवर्तन हो सके। एडवांस नॉलेज को अब ले रहे थे, इसलिए तो आज खेल हुआ। अगर एडवांस ज्ञान आया होता तो हाथ फेल होने का सवाल ही नहीं। मजबूत हाथ वाले को कोई याद करेगा तो उसका मजबूत संग करंग लगेगा या कमजोर संग करंग लगेगा? मजबूत हाथ बनेगा। बाबा द्वापर युग से जो सिस्टम बनी, जो अभी चल रही है परिवार पद्धति, तो वो कैसे बनी, कितना समय लगा उसमें? क्योंकि सत्ययुग त्रेता में सिस्टम अलग थी। पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था में भी क्या बन गई? तो सत्ययुग त्रेता में भी पारिवारिक व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ आदि भी क्या थी? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, पति पत्नी के बीच में व्यभिचार का नाम निशान भी नहीं था। और द्वापर युग से क्या हुआ? व्यभिचारी रावण ने प्रवेश कर लिया। दृष्टि वृत्ति कृति सब व्यभिचारी होने लगी। ये अंतर हो गया। पारिवारिक व्यवस्था के लिए जो कार्य कानून बनाए गए द्वापर युग से, कितने भी कार्य कानून बनाए, वो बनाने वाले मनुष्य है या भगवान है? मनुष्य माने नर, जो कुछ भी करेगा उससे नरक ही बनेगा और बन गया। और भगवान आकर जो कुछ करते हैं उससे स्वर्ग स्थापन होता है, क्योंकि वो पहला फाउंडेशन ही डालते हैं। स्वर्ग स्थिति में स्थित हो जाओ, ये बात कोई नहीं सिखाता। मनुष्य तो सब दे अभिमानी होते हैं। आत्मा का ज्ञान तो बाप ही है। जो आत्माओं का बाप है वही तो आत्मा का ज्ञान देगा। बाबा इस हीरों धर्मों के तो बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं संगम में, देवता क्षत्रिय और ब्राह्मण। वो तो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण जातो सही है, लेकिन ये क्षत्रिय धर्म की ये एक कैसा लागू है? तो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय। फेल माना कैसा? उसके तो अंत में जो 4.5 लाख होते हैं वो तो फेल नहीं होती है? 4.5 लाख में जो प्रवेश करने वाले हैं उनको फेलियर कहेंगे? लेकिन उसको भी 9 लाख में वो आई ना, वो तो देवता संपूर्ण बनेंगे ना? बनेंगे। और उनकी पूजा भी होगी कि नहीं? उनका पूजा में नहीं होता। अच्छा नहीं होता। कृष्ण की आत्मा की पूजा कैसे होती है? तो पूजा तो संगम की मान। राधा की आत्मा की पूजा कैसे होती है? नहीं होती है। तो अच्छा, उनकी पूजा नहीं होती तो प्रवेश है तभी तो पूजा होती है। प्रवेश करके वो आत्मा की संपन्न बनी है तभी तो पूजा होती है। तो वो अकेली प्रवेश करने वाली है या 4.5 लाख और उसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने वाले हैं? वो तो प्रवेश करने वाले 4.5 लाख प्रवेश करने वाले, वो भी दृष्टि लेते हैं परमात्मा बाप से सन्मुख। और जिनका अपना शरीर है जिनमें दूसरी आत्माओं का प्रवेश होता है वो भी दृष्टि लेते हैं डायरेक्ट। क्षत्रिय बाप से क्षत्रिय वो जिनकी कलाएं कम हो जाती है। माना ये बस ले लो, पूरे 84 जन्म नहीं लेते, खंडित आत्मा हो जाती। मतलब वो बाप की पहचान के लिए नहीं है ना? बाप बाप की पहचान नहीं होता है ना? बाप की पहचान नहीं होती है और विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। तो उसके लिए ये क्या बाप ने, उसके लिए कोई बात नहीं है ना? वो तो ये डीसी कम जन्म लेने वाला को वो कोई बात नहीं है। फेलियर नहीं हुए? फेल वो हुआ लेकिन फेल होने वाला धर्म स्थापन करना बाप वो तो अच्छा लगता है क्या? तो जो फेल होती है वो धर्म स्थापन करने की बात बाप को अच्छा लगता है क्या? क्यों अच्छा लगेगा? बाबा एक बात कहे धारणा की और कोई दूसरी बात आकर के धारणा की सुन
लगे, जो क्राफ्ट करती हो तो बाबा को भी अच्छी लगेगी। तो वो उसका पार्ट है, तो बाप का पार्ट नहीं है जी, वो बाप का पार्ट नहीं, उसका बाप आकर के पहले जन्म का लक्ष्य देते हैं या कम कला वाले जन्मों का लक्ष्य देते हैं? पहले 16 कला संपूर्ण जन्म है उसी का लक्ष्य देते हैं ना। आप तीन धर्मों की स्थापना करते हैं ऐसा बोला गया? हाँ जी। हाँ तो क्षत्रिय धर्म की स्थापना, क्षत्रिय धर्म की स्थापना तो बाप नहीं करते? अरे यदि कि आज नहीं क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो गई, धर्म की स्थापना के लिए निमित्त साकार बनेगा या निराकार है? हिंदू है साकार। तो यदि कि आज नहीं हो गया फिर तो प्रजापिता फेल हुआ, क्षत्रिय हुआ ना, पहला फेलियर कौन? राम बाप। जो पहला तो सबका बाप, पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण तो प्रजापिता है। जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय। हाँ तो मतलब माइक माइक गीता पाठ करना मतलब क्योंकि अपनी माता के पर गीता पाठ करना चल रहे तो उसको ऐसे ही चला देने दो, नहीं तो यही करना है। अगर कोई दूसरे युगल है जो हिंदी जानने वाले हैं चेंज कर सकते हैं, अगर कोई युगल है ही नहीं और कोई विधवा माता या मैच्योर माता गीता पाठ करना चला रही है, आने वालों को ठिकाना मिल रहा है तो वो ठिकाने क्यों तोड़ना तब तक जब तक कोई युगल न निकले? काम चलाओ, गीता पाठ करना चलने देना। और ब्रह्म बाबा दूसरा जन्म लेकर 30 नवंबर 1969 में यज्ञ में आई। हाँ जी, तो ब्रह्म बाबा का टोल प्रजापिता ने कब प्रवेश किया बाबा? ब्रह्मा बाबा की सोल प्रजापिता में कब प्रवेश? प्रजापिता में तब ही प्रवेश कर सकती है जब वो आत्मा शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होगी। अगर शंकर के रूप में प्रत्यक्ष न हो तो प्रवेश का शंकर के रूप में कहीं भी नहीं जा सकती। प्रवेश 18 जनवरी 1969 से 1976 कल तक दमोह का कंट्रोल कहाँ रखी है बाबा? बच्चों में प्रवेश करते हैं? बच्चों में कोई भी बच्चों में जो उनके आधार जो उनके फॉलोअर हो। अगर विचारदार संघ में आए ना बाबा और दादियों में भी आते थे? सिक्कन दादी में से बैठो करके वाणी चलाई। हाँ जी, 1976 तक और हम बच्चों में प्रवेश किया। 1976 तक नहीं, 1976 तक और ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके ब्रह्मा की टोल ने पाठ बजाया और बीज रूप स्टेज में तब बनते हैं जब वो प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, तब उनकी बीज रूप स्टेज बनती है। उससे पहले सूक्ष्म शरीर ही कार्य करता है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ते वक्त तो उनको यज्ञ के आदि की जो पर्सनैलिटी थी जो उनके भागीदार थे उनकी याद में शरीर छोड़ा होगा ना बाबा? ब्रह्मा बाबा ने आदि के बच्चों की याद में अगर उनकी याद में शरीर छोड़ा तो वो संपन्न रूप हुआ, भगवान का रूप हुआ या साधारण रूप हुआ? उनको तो फेलियर रूप है या नारायण रूप है? सही है, आदि का फेलियर रूप को याद करेंगे तो क्या हुआ?
तो उनमें प्रवेश करना चाहिए था ना, शरीर छोड़ते ही राम बाप में प्रवेश होना चाहिए, अंत मती तो गति शरीर छोड़ते ही वो ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शरीर छोड़ा वैसे ही प्रजापिता वाली आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। ये इसलिए नहीं हो सकता कि प्रजापिता जिस व्यक्तित्व का नाम दिया गया है वो जब तक 100 साल का न हो तब तक उसका मृत्युलोक समाप्त नहीं हो सकता। 76 में तो यज्ञ के आदि में 1936 में प्रजापिता में जब प्रवेश किया तो 7 साल और 75 में 100 साल उम्र हो जाती है, ब्रह्मा मृत्युलोक खलास हो जाता है। चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा हो उनका मृत्युलोक समाप्त हुआ तो कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक, अमर लोक शुरू हो गया, वो अमरनाथ की पाठ की शुरुआत हो गई। नारायण का जैसे जन्म हो गया प्रत्यक्षता रूपी, इसलिए 69 से प्रवेशता नहीं जाई जा सकती ना हो सकती। 69 में तो वो गर्भपिंड कहेंगे, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने को प्रत्यक्ष होना कहा जाता है, प्रत्यक्ष होने से पहले बच्चा गर्भ में रहता है गुप्त। तो ये 7 साल जैसे कि गर्भपिंड में गुप्त जो जड़ मूर्ति है उसकी तैयारी होती रही, मैं ना जड़ मूर्ति तैयार हुई लेकिन उसमें आत्मा नहीं प्रवेश नहीं हुई और 76 में प्रवेश आत्मा का प्रवेश हुआ। मनन चिंतन चला है बाप उस समय आदि केवल प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन का सागर मंथन हुआ देखा। और बाबा 108 बीज रूपी आत्मा है सभी धर्म में जाते जन्म लेते कर्म स्थापन करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए बीज रूप आत्माएं नहीं जाते है, राजाई की स्थापना करने के लिए बीज रूप आत्माएं जाते है। बीज माना बाप, बाप का काम होता है आदि में जन्म देना और बच्चों को वर्षा देना, वर्षा है राजाई का, सत्य को देवता की राजाई शिव ज्योति बिंदु बाप परम पिता परमात्मा देते हैं। और द्वापर कलयुग की राजाई कौन देता है? जो बाप होगा वो देगा, जो बीज होगा वो देगा, और धर्मों के भी बीज है वो बाप के सहयोगी बनते हैं। बाबा ये 108 में ये 9 ग्रुप होते है ना, ये 9 ग्रुप में 12 में मुखिया होते है हर धर्म के, 12 के 9 ग्रुप में मुखिया होते है ना, वो 12 का कोई ना कोई मुखिया होता है 12 का, उसमें वो नवग्रह की रूप में पूजन है ना उनको, नवग्रह की रूप में जो मुखिया को हमारा घर तब बनता है जब अम्मा बाप दोनों हो, क्या दोनों प्रवृत्ति होती है। तो जो दूसरे दूसरे धर्मों के ग्रुप है उनके जो मुखिया है वो ज्यादा बुद्धिमान है, या जो अष्टदेव है या पहला सूर्यवंशी ग्रुप है वो ज्यादा बुद्धिमान है, अष्टदेव जो वो बुद्धिमान है तो ज्यादा बुद्धिमान है, माना बीज बाप है नवग्रह जो बुद्धि में ज्यादा सीखे होते हैं वो फिर निर्बुद्धियों में प्रवेश करते हैं, क्या और प्रवेश करके उनको चलाते हैं। इसलिए रुद्रमाला के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं, कई कई मुख दिखाए जाते हैं। नवग्रह जो है ना बाबन, नवग्रह कौन है? वो 12 ग्रुप में जो मुखिया वो है, लेकिन उनके एक बाप है मन बुद्धि रूपी बीज आत्मा और एक शरीर है जैसे दैहिक रूप
तो दूसरे धर्म वालों का दैहिक रूप ज्यादा होगा या जो अष्टदेव है उनका रूप ज्यादा दैहिक होगा? दैहिक माना बाप क्या? दैहिक माना पांच तत्वों से ज्यादा प्रभावित रहने वाला। प्रभावित दूसरे धर्म होते हैं। तो वो हो गए धरणी, पंच तत्व का संघात, और वो उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा है अष्टदेव। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो संगम युग में ज्यादा पावरफुल बन जाती है। जिनमें प्रवेश होता है वो विकारी वृत्ति जन्म जन्मांतर की होने के कारण कमजोर बन जाते हैं, और बाप को न पहचान पाने के कारण उनके पाप पूरे भस्म नहीं होते, इसलिए वो अष्टदेव उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे नवग्रह में बाप वो गुरु को बृहस्पति है ना, बृहस्पति प्रजापिता को लागू होती है, और रवि जो है जो साकार में निराकार प्रवेश होते हैं ना उसको रवि कहा जाता है, और ग्रह जो है ना वो कौन से धर्म का है? जैसे कहो शनि भक्ति मार्ग में शनि को बहुत महत्व देते हैं, और बुध है जैसा अंगारक है, ऐसे ऐसे ग्रह है ना, वो कौन से धर्म वाला होते हैं? अलग अलग धर्मों के अलग अलग है, नौ ग्रह है, तो नौ ही मुख्य धर्म है जो राजाई का बल का लेते हैं। नंबर वन हम कर सकते हैं बाप, ये है स्पेसिफाई करने के लिए कोई मना थोड़ा ही किया, स्पेसिफाई करो और वेरीफाई करो। वो बच्चों का काम है, कुछ तक तो निकालो। एक ने कोई ठेका थोड़ा ही लिया हुआ है, सागर मंथन में एक ने किया या असुर और देवताओं ने मिलकर के किया? दोनों ने मिलकर के किया। तो कोई नई बात निकालो और निकाल दो उसको, मेरे भाई करो। हाँ जी, एक तो आठ बीज रूप आत्मा सभी धर्म में भी जज है। एक तो आठ बीज रूप आत्मा कोई धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। नहीं, जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के कन्वर्ट, उसको कन्वर्शन नहीं कहा जाता। नहीं, एक तो आठ भी आधार में जन्म लेते हैं। एक तो आठ जो बीज रूप आत्मा है वो कभी कन्वर्ट नहीं होती, जन्म ले सकती है हर धर्म में। हर धर्म में क्यों, जिसका जिस धर्म से कनेक्शन होगा, धर्म राम धर्म के जो बीज होंगे उनका कौन से धर्म से कनेक्शन होगा? राम धर्म से कनेक्शन होगा। हाँ जी, और बाप समान सदैव आत्माभिमानी तेज में रखने के लिए क्या करना चाहिए? जो मुरली में बोला है वो सब कुछ करना है। बाबा हाँ जी, इस्लाम धर्म का जो भी 12 ग्रुप है वो धर्म से धर्म स्थापन होने के बाद जो बाहर आते हैं उसमें रहते हैं? वो धर्म स्थापन होने के बाद उसी ग्रुप इसी कानून में आते हैं ना? ऐसे कहाँ से बाहर आ जाते हैं? इस धर्म से जिस 12 लोग जाते हैं उसमें, वो धर्म के स्थापन होने के समय छोड़े जाते हैं, बाद में जाते हैं ना, जब उनकी लाखों की तादाद हो जाती है, तो लाखों की तादाद में जन्म लेकर के उनके बीच में फिर कोई ऐसा तारक बजाते हैं जो राजा ही स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, जैसे बाबर। पहला बादशाह हुआ मुगलों का, बचपन में साधारण सिपाही था और बड़े होते होते भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। ये एक ही जन्म में बैगर टू प्रिंस बनने का संस्कार कहाँ से जन्म धारण किया है?
जरूर संगमयुग में कोई आत्मा है जो इसी जन्म में रोड पति का पाठ बजाती है और इसी जन्म में बैगर टू प्रिंस बन जाती है। अच्छा जो हुआ तो ड्रामा, मैं गीता का भगवान नहीं बिंदु तो दूसरे भी रह सकेंगे। जब जो निमित्त आत्मा है वो ही नहीं रह सकती तो दूसरी आत्मा परमानेंट बिंदु कैसे रख पाई। तो कहते हैं कि हमने बिंदु लगा दिया है, कोई स्टाफ लगा दिया है। जगत माता यज्ञ कब आएगी? जगत माता यज्ञ में कब आएगी? शक्तिकल में साकार में देखने में जब साकार के नक्शे कदम पर चलेगी, जब तक सीता सीमत के लीका के बाहर है तब तक रावण की जेल में और श्रीमत की लीका की यानी पटरी पर श्रीमत की पटरी पर पक्का चल पड़ेगी तो रावण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सीता रावण के अधीन नहीं हुई की वाटिका में थी, वाटिका में थी, खाना वाना खाती थी, कपड़े वपड़े पहनती थी, फल खाती थी, उनके उनके जो परिचारक थे उन परिचारकों से कुछ लेना देना करती थी, हैं? संस्कार की लेती थी। अरे रावण को तो दूर ही रखा था। ये कहो जो सीता रावण की जेल में दिखाई जाती है वो असली सीता अव्वल नंबर नहीं थी, वो मूर्ति बनाई हुई थी, डुप्लीकेट बनाई हुई थी। असली सीता तुम पावक में करो निवासा,
तुम योग अग्नि में निवास करो, तब तक मैं आसुरों का वर्ष करता हूँ। तो योग अग्नि में रख दिया था कलाकार की, वो अग्नि का संग करती थी।
लोभ विकार रूपी सर्प और मोह की फांसी डालने वाला गले में, मोह का सूचक है और सर के ऊपर अहंकार का सूचक है। पांच सर्प दिखाए जाते हैं। पांच का मतलब पांच ही नहीं है, हैं तो बहुत, लेकिन उनकी पांच प्रकार की कैटेगरी है। शंकर का पाठ है जो सर्प आगे चिपकते है, चिपकते है लेकिन उनसे डरता नहीं है। और